हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडर गार्डन मीन के से क्लास ट्वेल्व तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है वो भी हंड्रेड परसेंट फ्री ये स्टूडेंट्स हंड्रेड परसेंट फ्री मतलब यहां से पढ़ाई करने का यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे आपका क्लास वन

कितने है ना हमने बहुत सारे चैप्टर्स में जो हमने नंबर्स के चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने काउंटिंग करी हाउ मेनी सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द काउंटिंग ओनली ओके चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यस सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स ओके यहां पे आपको कुछ स्टिक्स दी हैं आपको उन्हें काउंट करना है और बस लिख देना है वेरी इजी राइट चलो शुरू करें स्टूडेंट्स वॉट इज द टॉपिक राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यहां पर शुगर के इन स्टिक्स दी है गन्ने की लकड़ियां आपको क्या करना है इन्हें काउंट करना है और बॉक्स में नंबर लिखना है कि कितनी स्टिक्स हैं आपके पास ओके okay? चलो लेट स्टार्ट सो सी द फर्स्ट वन वन टू यस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाउ मेनी शुगर बस यहां पे लिख दो ठीक है? Next count करते हैं. आप सोच रहे होंगे ये तो लास्ट चैप्टर है और ये इतना इजी यस स्टूडेंट इसमें रिवीजन है जो हमने पूरा पढ़ा है ठीक है तो सिक्स एंड इट इज एट स्टिक्स ठीक है चलो आगे बढ़े यस yes. अब यहां पे देखो अगेन रिमेंबर ये क्या है बंडल ऑफ टेन टेन का बंडल मीन्स वन टेन समझ गए आप दिस इज बंडल ऑफ टेन स्टिक्स और बंडल ऑफ टेन स्टिक्स क्या होता है वन टेन एंड वन टेन इज इक्वल्स टू टेन राइट सो वन टेन एंड हाउ मेनी शुगर केन स्टिक्स यहां पे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये भी टेन हो गया टेन बंडल एंड टेन स्टिक्स तो कितना हुआ टेन प्लस टेन वॉट इज टेन प्लस टेन टेन प्लस टेन इज जीरो एंड वन प्लस वन टू ट्वेंटी राइट सो टेन बंडल्स एंड टेन स्टिक्स मिला के कितना हो जाएगा टेन टेन ट्वेंटी ओके सो दिस विल कम राइट right? आप हमेशा याद रखिए बंडल क्या होता है स्टूडेंट ten. आपको बिल्कुल याद रहता होगा है ना चलो हियर ऑल्सो वन बंडल मीन्स टेन एंड टेन के बाद आप कितनी काउंटिंग करोगे इलेवन टर्टीन टेन प्लस थ्री थर्टीन ये बंडल क्या हो गया आपका वन टेन मतलब टेन प्लस आपकी थ्री स्टिक्स तो कितनी हो गई टेन इलेवन 13 सो हियर इट इज थर्टीन ओके स्टूडेंट्स समझ गए आप वन बंडल मींस टेन टू बंडल मींस ट्वेंटी ये कितने कितने के बंडल्स हैं टेन टेन के बंडल्स हैं हर बंडल में आपकी टेन स्टिक्स हैं याद आ गया ओके सो वन बंडल ऑफ टेन स्टिक्स मींस वन टेन मतलब टेन टेन और थ्री थर्टीन राइट चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. ना अगेन बंडल ऑफ टेन स्टिक्स मतलब टेन हो गया ये आपका ओके okay. अब जो लूज स्टिक्स है उन्हें काउंट कर लेते हैं टेन के बाद आफ्टर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन टू थ्री फोर फाइव टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन ओके नागे बंडल ऑफ टेन स्टिक्स ये टेन हो गया इनको काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 टेन प्लस 7 टेन है सेवन फिंगर्स निकाल लो काउंटिंग करो इलेवन 12 थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17 टेन प्लस 7 17 ओके okay, स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं टेन yes. और ये काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन प्लस सिक्स काउंटिंग करें टेन प्लस सिक्स टेन है हमारे पास सिक्स फिंगर्स निकालो काउंटिंग करो टेन के बाद क्या आता है फॉरवर्ड काउंटिंग इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो टेन प्लस सिक्स इज इक्वल टू ओके okay, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग ऑफ स्टिक्स राइट सो देखा आपने कितना इजी था यहां पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा या कुछ भी आगे का नहीं पढ़ा जो पिछला हमने पढ़ा था उसी को हमने रिवाइज किया बस हमें इतना याद रखना है बंडल ऑफ टेन स्टिक्स माने वन टेन एंड वन टेन मतलब क्या होता है वन टेन मीन्स टेन टू टेंस मीन्स ट्वेंटी लाइक दिस थ्री टेन मीन्स थर्टी फोर टेन मीन्स फोर्टी याद है आपको जितने जितने बंडल्स होते जाते हैं हमारे टेन 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 बढ़ते जाते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये टॉपिक बहुत इजी था बस आपको स्टिक्स काउंट करनी है और यहां पे लिखनी है दैट्स इट राइट right? बिल्कुल इजी है आराम से कर लोगे ओके लाइक दिस बीट्स की माला आपको उन्हें काउंट करके लिखना है जो कि बहुत सिंपल है ठीक है चलो शुरू करते हैं सो so स्टूडेंट्स आप देखो यहां पे थ्री बीट्स की गार्लेंट दी गई है माने तीन बीट्स की मालाएं दी गई हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक माला में कितनी बीट्स है ठीक है चलो काउंट करें वन टू यस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन माने एक माला एक गार्डन में टेन बीट है okay, इसमें भी टेन है काउंट yes. करके देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके तो टेन 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 जैसे आपने देखा था ना टेन स्टिक्स का एक बंडल है ना तो टेन 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 मीन्स टेन 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 प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी तो थर्टी तो हमारी माला में की बीट हो गई उसके बाद लूज कितनी है वन टू तो कितनी हो गई थर्टी प्लस टू हाउ मैनी

थ्री गार्डल तीन मालाएं और हमको पता है हर एक माला में टेन बीट्स होते हैं एक बार काउंट करके देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो स्टूडेंट्स टेन प्लस टेन प्लस टेन टेन ट्वेंटी थर्टी ओके और लूज हमारे पास कितनी है थर्टी के आगे काउंटिंग करो थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन ओके मींस यहां पे नाइन बीड्स हैं थर्टी प्लस नाइन थर्टी नाइन ओके स्टूडेंट्स है ना मजेदार जैसे कि बंडल में टेन स्टिक्स है वैसे ही एक माला में टेन बीड्स हैं. ओके चलो आगे बढ़ते हैं यस yes.

प्लस फाइव फोर्टी आपके पास है फाइव फिंगर्स निकाल लो क्योंकि फाइव बीट्स करनी है फोर्टी के बाद काउंटिंग शुरू करो फॉरवर्ड काउंटिंग फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव है ना बहुत ईजी सो स्टूडेंट्स ये करी हमने फॉरवर्ड काउंटिंग जो नंबर है उसके बाद की काउंटिंग ओके okay? चलो नेक्स्ट करते हैं हाउ मेनी गार्डियंस आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव मतलब टेन टाइम टेन फाइव टाइम्स है ना टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन कितना हो गया और तो है ही नहीं। तो तो ना बहुत students. तो क्या किया बंडल्स की जगह आपको बीट्स की गार्डलेंड माला दी गई है ठीक है और हर एक गार्डलैंड में टेन बीट्स है तो राइट स्टूडेंट्स तो उन्हें काउंट कर लो और लूज बीट्स काउंट कर लो पता चल जाएगा राइट right? बहुत इजी है इसे करना स्टूडेंट्स बहुत मजा आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां क्या है हाउ मच विल बी द बनाना कॉस्ट एक बनाना का कितना कॉस्ट है देखो वन बनाना वन रुपी ठीक है अब थ्री बनाना कितना होगा चलो आगे देखते हैं देखो वन बनाना वन रुपी का है एक बनाना एक रुपया यहां कितने बनाना है टू बनानास तो टू बनानास टू रुपीस ठीक है तो टू बनाना कितने के हो जाएंगे टू रुपीज के ओके okay, स्टूडेंट्स आप टू रुपीज लिख दो या फिर आप दो रुपए का टू रुपी का कॉइन बना दो ठीक है स्टूडेंट्स वन बनाना वन रुपी टू बनाना टू रुपी थ्री बनाना होते तो थ्री रुपीज फोर बनाना होते तो फोर रुपीज फाइव बनाना होते तो फाइव रुपीज ठीक है तो ये हमने बनाना का कॉस्ट पता कर लिया एक बनाना एक रुपए का दो बनाना दो रुपए का राइट चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. सो so, गिव नंबर नेम नंबर नेम मतलब नंबर की स्पेलिंग जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी है ना स्टूडेंट सो सिक्सटीन फोर्टीन तो आपसे क्या पूछा गया है वट इज द नंबर नेम ऑफ फिफ्टीन वन फाइव फिफ्टीन तो फिफ्टीन की आपको स्पेलिंग लिखनी है स्टूडेंट वट इज द स्पेलिंग ऑफ फिफ्टीन चलो लिखते हैं यस सो एफ आई एफ t w e n so what is the number name of fifteen? f i f t e e n Fifteen, right student Sixteen का क्या होगा s i x t e e n right तो ये किसका नंबर का नेम हर एक नंबर का अपना नेम होता है और वो हमको यहां पे लिखना है ठीक है सो 15 की स्पेलिंग क्या होगी नंबर नेम मतलब स्पेलिंग सो what is the spelling of 15 f i f t e e n 15 okay चलो आगे बढ़ते हैं यस हाउ मेनी टेंस अब आपको पता है और क्या होते हैं? प्लेस वैल्यू नंबर की प्लेस जैसे ये number है थर्टी सिक्स तो जो सबसे पीछे का नंबर होता है वो है सिक्स तो सिक्स होता है वंस के नीचे और वंस के पहले क्या आता है टेंस टी ओ आपको याद है हमने टी ओ पढ़ा था टी मतलब टेंस ओ मतलब वंस तो यहां कितने टेंस है यहाँ पे थ्री है और सिक्स है ओके चलो आगे बढ़े यस तो यहां पूछा गया है हाउ मेनी टेंस एंड व्हाट इज मैनी ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर में स्टूडेंट्स टी होगा टेंस प्लेस टू होगा टेंस प्लेस पे और फोर होगा वंस प्लेस पे तो हाउ मेनी टेंस टेंस कितने टेंस हो गए स्टूडेंट्स टू टेंस ठीक है एंड टू टेंस मतलब ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर समझ गए आप वन टेंस मीन्स टेन टू टेंस मीन्स ट्वेंटी थ्री टेंस मीन्स थर्टी ये तो हम पढ़ चुके हैं फाइव टेंस मीन्स फिफ्टी ओके सो यहां पे कितने टेंस हुए हाउ मेनी टेंस टू टेंस राइट चलो आगे बढ़े यस yes. बिगर नंबर बिगर मतलब बड़ा नंबर और हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स काउंटिंग में जो बाद में आता है वो बड़ा होता है काउंटिंग में जो पहले आता है वो छोटा होता है ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है काउंटिंग करो जो नंबर बाद में आएगा वो बड़ा होगा बिग होगा ओके okay? तो कौन कौन से नंबर हमारे पास दिए गए हैं वन थ्री थर्टीन एंड टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स काउंटिंग कर लो जरा

बिगर नंबर ओके स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा होता है वो बिग होता है ठीक है ओके okay, अब देखो अगर आपको काउंटिंग नहीं करनी तो आप सिर्फ टू नंबर का टू डिजिट नंबर का फर्स्ट डिजिट देखो यहां वन है यहां टू है इन दोनों की काउंटिंग कर लो बहुत इजी होगा वन टू टू बाद में आया मतलब यही नंबर बिग होगा ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आपको पूरे नंबर की काउंटिंग नहीं करनी तो फर्स्ट डिजिट की काउंटिंग कर लो ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या लिखा है

क्या दिख रही हैं यहाँ पे आपको कुछ गोट्स कुछ बकरियां दिख रही हैं लेकिन स्टूडेंट्स ये बकरियां अलग-अलग कलर की हैं क्या यस yes. तो आप स्टोरी कैसे बना सकते हो स्टोरी बना सकते हो कि देयर आर फाइव goats कितनी गोट्स थी? There were five goats थी देयर वर फाइव goats बट टू थ्री वर ब्राउन इन कलर एंड टू goats वर ग्रे इन कलर पांच गोट थी जिसमें से तीन ब्राउन कलर की थी और दो ग्रे कलर की थी और पांचों गोट्स आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी है ना ये सारी गोट्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी ये जहां जाती थी एक साथ जाती थी खाना खाती थी घास खाती थी सब एक साथ खाती थी लेकिन एक दिन क्या हुआ इन पांचों में लड़ाई हो गई अब लड़ाई क्यों हो गई क्योंकि किसी को लगा कि अरे तुम ज्यादा घास खाती हो किसी को लगा कि नहीं तुम ज्यादा घास खाती हो और ये पांचों लड़ने लगी फिर क्या हुआ देखो सब लड़के एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करके बैठ गई ये टू ब्राउन गोट्स उधर फेस करके बैठ गई थ्री ब्राउन गोट्स ये टू ग्रे और वन ब्राउन गोट इधर फेस करके बैठ गई क्योंकि इन तीनों में लड़ाई हो गई फिर क्या हुआ देखो अब उसके बाद तीन तो यहां पे बैठी थी एक ग्रे गोट और एक ब्राउन गोट में दोस्ती फिर से हो गई और फिर इन दोनों दोनों ने क्या किया ये दोनों ग्रे और ब्राउन उठ के जाने लगी और इन्होंने सोचा कि अब हम इन तीनों से दोस्ती तोड़ देंगे और ये दोनों फ्रेंच फ्रेंडशिप कर ली और ये दोनों चली गई फिर क्या हुआ अब ये दोनों तो चली गई तो अब यहाँ पे कितनी गोट बची थ्री गोट्स तो स्टूडेंट कितनी थी पहले? देखो हाँ कितनी थी फाइव गोट्स फ्रेंड्स थी उनमें लड़ाई हो गई फिर क्या हुआ लड़ाई होने के बाद टू जो गोट्स थी वो यहाँ से चली गई फाइव में से टू गोट्स चली गई तो कितनी गोट्स बची यहाँ पे थ्री गोट्स अब थ्री गोट्स तो अलग अलग दुखी दुखी बैठी थी एक इधर बैठी थी एक चुपचाप घास खा रही थी और एक और यहाँ बैठी थी है ना अब ये बेचारी तो दुखी दुखी बैठी रही और सोचती रही कि अरे हमने लड़ाई क्यों लड़ी हम तो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे आइंदा से हम लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे है ना स्टूडेंट्स तो ये तो थी कहानी जो हमने बनाई आप भी ऐसे कहानी बनाई है और अपनी क्लास में सुनाई है और क्या स्टूडेंट्स तो चलो और आगे देखें Yes. तो ये कहानी एक और कहानी आपको बनानी है और इस कहानी में इस बच्चे का नाम दिया गया है बिल्लू क्या नाम दिया गया है बिल्लू सो so ही इज बिल्लू ये कौन है ये है बिल्लू और इसके लिए भी आप स्टोरी बना सकते हो जैसे कि एक बच्चा था जिसका नाम था बिल्लू और बिल्लू बड़ा ही स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा था ही वॉज वेरी स्मार्ट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ही गोज टू द स्कूल ऑल्सो एंड ही स्टडीज इन क्लास वन आप सबकी तरह और वह स्कूल में पढ़ाई भी करता था और घर आके अपने ममा पापा की हेल्प भी करता था उसके ममा पापा क्या करते थे उसके ममा पापा लकड़ियों से बास्केट्स बनाते थे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो, तो बिल्लू भी घर आके अपने ममा पापा की तरह लकड़ियों से बास्केट्स बनाता था और फिर उसके पापा ये सारी बास्केट्स को लेकर मार्केट में बेचने जाते थे और पैसे लेके आते थे है ना स्टूडेंट्स तो बस आप भी ऐसे कुछ भी स्टोरी बनाइए और अपनी क्लास में सब क्वेश्चन आई है क्लास वन मैथ्स की वर्कशीट स्टूडेंट्स yeah, और आज हम करेंगे चैप्टर थर्टीन टेन प्लस थ्री थर्टीन एंड वॉट इज चैप्टर हाउ यस हाउ मैनी राइट दिस मीन्स यू हैव टू डू द काउंटिंग आपको क्या करना है पूरी वर्कशीटस में मेनली हम काउंटिंग करेंगे हम नंबर नेम्स को रिवाइज करेंगे हम स्मॉलर नंबर बिगर नंबर को रिवाइज करेंगे और हम मिसिंग नंबर्स को भी रिवाइज करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए लेट्स डू दी वर्कशीट्स यस सो सी द फर्स्ट वन हाउ मेनी काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ निंजास यस सो हियर आर द पिक्चर ऑफ निंजा हथौड़ी द फेवरेट कार्टूनिस्ट है ना आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ठीक है स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है आपको कितने निंजाज यहाँ पे हैं उनको काउंट करना है राइट right? चलिए शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो हाउ मेनी निंजाज आर हियर एट निंजाज काउंटिंग करो और जहां पे स्पेस दिया है वहां पे लिख दीजिए वेरी सिंपल है ना हाउ मेनी निंजाज हियर ओनली वन तो यू विल राइट हियर वन ठीक है यहां पे कितने हैं वन टू थ्री फोर तो यू विल राइट हि फोर ओके स्टूडेंट्स आपको काउंट करना है वेरी केयरफुली ठीक है और जो भी नंबर है वो यहां पे आपको लिख देना है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस हियर आल्सो हाउ मेनी निजाज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो हाउ मेनी निजाज सिक्स निंजाज हियर वन टू थ्री सो वी विल राइट हियर थ्री ओके स्टूडेंट्स यहां पे कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो वी विल राइट हीट ओके स्टूडेंट्स नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सो हाउ मेनी निजाज आर हियर फाइव निंजाज राइट तो हमें सब क्या करना है हमें काउंट करना है और यहां पे टोटल नंबर लिखना है ओके okay? चलो आगे बढ़े यस सो हियर आर ऑल्सो द सेम थिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो हाउ एन मेनी टू सो वी विल राइट यान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो वी विल राइट ये जीरो टेन ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम एक चीज जल्दी से रिवाइज करते हैं वन डिजिट मीन सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट सो जीरो जीरो से नाइन तक हमारे क्या होते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स राइट उसके बाद वन जीरो तक हमारे क्या होते हैं टू डिजिट डबल डिजिट नंबर ठीक है तो जब टेन आ जाता है इट इज डबल डिजिट नंबर जहां पे हमारी प्लेस वैल्यू होती है टेंस और वंस ओके रिमेंबर चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीजों को भूलेंगे नहीं ठीक है चलो अब यहां देखो उ मेनी डॉट्स आर देयर काउंट बाई नाइन्स राइट द आंसर इन द बॉक्स अब देखो यहाँ पे डॉट्स दिए कलरफुल डॉट्स अब आपको क्या करना है हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं दिस इज वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप एंड फाइव ग्रुप ठीक है और हर ग्रुप में हमारे पास कितनी डॉट्स है लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो नाइन डॉट्स सेवन एट नाइन 9 डॉट हि ऑल्सो 9 डॉट्स 9 डॉट्स एंड 9 डॉट्स ठीक है तो हर ग्रुप में इच ग्रुप में कितनी हमारी डॉट्स है 9 डॉट्स ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है आपको काउंट करना है कि कितनी नाइन डॉट्स के हमारे पास ग्रुप है क्योंकि हमको कितनी काउंटिंग करना है काउंट बाय नाइन हमें नाइन नाइन के ग्रुप की काउंटिंग करनी है सो दिस इज वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री फोर एंड फाइव ग्रुप तो नाइन नाइन के हमारे कितने ग्रुप्स हो गए हैं फाइव ग्रुप्स ओके स्टूडेंट्स तो टोटल हमारे पास कितनी डॉट्स होंगी नाइन 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 करके हमारे पास कितनी डॉट्स हो जाएंगी जल्दी से बताइए ओके स्टूडेंट्स तो हमारे पास हो गया है फाइव ग्रुप नाइन नाइन डॉट्स का ठीक है तो वी विल राइट हियर फाइव ओके okay, स्टूडेंट्स क्योंकि हमें नाइन्स में काउंट करनी है कि नाइन नाइन कितने हमारे पास डॉट्स हैं तो नाइन नाइन हमारे पास टोटल फाइव ग्रुप्स हैं डॉट्स के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यस नाउ लुक हियर हाउ मेनी सॉक्स आर देयर काउंट बाय टूज अभी डॉट्स हम नाइन नाइन के ग्रुप में काउंट कर रहे थे अब देखो यहां पर सॉक्स टू टू के ग्रुप्स में है कैसे दिस इज वन ग्रुप टू three, four, five, six, seven, सेवन ग्रुप्स ऑफ टू टू सॉक्स टू here, टू here, टू 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 तो टू टू के हमारे पास टोटल कितने groups हो गए one, two, three, four, five, six, seven. ओके स्टूडेंट्स तो टू टू के हमारे पास कितने सॉक्स हो गए हैं सेवन पेयर ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टर्ड पहले हमने nine-nine की काउंटिंग करी अब हम two's की काउंटिंग कर रहे हैं ठीक है काउंटिंग हमें करनी है बट हमको टू टू को एक साथ काउंट करना है जैसे पहले हमने डॉट्स में नाइन डॉट्स को एक साथ काउंट किया हमने टू टू सॉप्स को एक साथ काउंट किया ओके okay, स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं बहुत सिंपल है बस जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन राइट चलिए अब यहां पे हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर कैंडल्स है केक के ऊपर ठीक है काउंट बाय फाइव्स पहले हमने नाइन्स के ग्रुप में काउंट किया फिर हमने टू के ग्रुप में काउंट किया नाउ वी है स्टूडेंट्स तो देखो वाइव फाइव कैंडल्सो फाइव 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 तो फाइव फाइव कैंडल्स के हमारे पास कितने ग्रुप हो गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव फाइव कैंडल्स के हमारे पास Five group हो गए हैं। okay, students, तो we will write here five. Understood. आगे आपको अच्छे से समझ में। बस हमें काउंटिंग करनी है और groups में करनी है। जो ऊपर नंबर दिए गए हैं हमें उन ग्रुप्स में काउंटिंग करनी है राइट right? चलो आगे बढ़ते हैं यस yes, अब यहां पे हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्यूब आर देयर क्यूब के कितने पीसेस हैं काउंट बाय सेवन ठीक है अब हमें सेवन सेवन के ग्रुप में काउंटिंग करनी है तो यहां पे सेवन सेवन का ग्रुप बना हुआ है कैसे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन का वन ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अनदर सेवन 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 ठीक है तो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सेवन क्यूब्स सेवन सेवन क्यूब्स के हमारे पास कितने ग्रुप बन गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो सेवन सेवन के हमारे पास एट ग्रुप्स बन गए हैं ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes. उ मेनी ट्रैफिक लाइट आर देयर यू नो ट्रैफिक लाइट ट्राफिक सिग्नल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ठीक है जब भी, भी आप रोड पे जा रहे हो पापा के साथ मम्मा के साथ तो आपको ट्रैफिक लाइट के रूल्स को फॉलो करना होता है ठीक है रेड येलो एंड ग्रीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लाइट जब रेड लाइट जलती है तो यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल पापा मम्मी को बोलो कि गाड़ी रोक दो ठीक है जब येलो लाइट जलती है तो क्या करना है आपको वेट करना है ठीक है और रेडी भी रहना है ठीक है गाड़ी स्टार्ट करके रखनी है एंड जब ग्रीन लाइट जलती है तो क्या करना है यू हैव टू गो ठीक है स्टूडेंट्स तो यहां पे आपको हर ट्रैफिक सिग्नल पर थ्री लाइट होती है तो यहां पर हमें थ्री थ्रीज में काउंट करना है तो चलो कितनी हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमारे पास टेन ग्रुप्स हैं थ्री थ्री लाइट्स के क्योंकि हर ट्रैफिक सिग्नल पे कितनी लाइट होती हैं थ्री थ्री लाइट्स होती हैं अंडरस्टुड तो थ्री थ्री लाइट्स के हमारे पास कितने ग्रुप हैं वी हैव गॉट टेन ग्रुप्स राइट तो वी विल राइट यन जीरो टेन ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ रहा है ना यस yes? बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको आंसर लिख देना है ठीक है अब देखो यहाँ पे काउंट द पिक्चर्स इन ईच बॉक्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ काउंटिंग करनी है एंड यू हैव टू गिव द आंसर हाउ मेनी डिड यू काउंट चलो लेट काउंट द बनीज बनी का हमारे पास सिर्फ फेस है चलो बनीस को काउंट करें यस वन टू थ्री फोर यू विल आल्सो काउंट विद मैम फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी हाउ मेनी डिड यू काउंट वी हैव काउंट ट्वेंटी एट बनीज ओके चलो नाउ दीज आर लायन चलो इसको काउंट करें चलिए

सो so, हमारे पास बानी के फेस कितने हैं 28. हमारे पास लाइन के फेस कितने हैं 29. ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे हमें क्या करना है यस आर टोज हमारा फ्रॉग ठीक है तो अब हमें फ्रॉग्स को काउंट करना है चलो ठीक है चलो लेट्स काउंट दी फ्रॉग्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व राइट

ठीक है स्टूडेंट्स तो हमारे पास फ्रॉग्स स्टोर्ड के फेसेस कितने हैं फेसेस वी हैव गॉट ठीक है हमने सिर्फ यहां पे काउंटिंग करी है और कुछ भी नहीं किया ठीक है हाउ मैनी दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर ओनली ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे आपको क्या करना है काउंट ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलो राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स द सेम थिंग काउंटिंग करो और बॉक्स में आंसर लिखो सो हाउ मेनी पिग वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट सो वी हैव गॉट एट पिग्स विथ अस नाउ हाउ मेनी फिशेज सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो वी हैव गॉट टेन फिशेज ओके स्टूडेंट एट पिग्स एंड टेन फिशेज ठीक है चलो हाउ मेनी टेलीजन वी है यह वाला टेलीविजन देखा है स्टूडेंट शायद देखा है क्या यस yes, स्टूडेंट्स अब तो हमारे पास क्या हो गया एलईडी आ गए जो वॉल पे ऐसे फिक्स हो जाते है पहले टेलीविजन को स्टैंड पे रखा जाता था ठीक है तो ये वो वाले टेलीविजन है चलो इनको काउंट करें यस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन ट्वेंटी आपने काउंटिंग करी आपका भी ट्वेंटी नंबर आया सो so स्टूडेंट्स आपको भी मैम के साथ काउंटिंग करनी है फिर देखना है कि पहले कौन काउंटिंग करता है मैम करती है कि आप करते हो ठीक है सो so मैम का तो ट्वेंटी नंबर आ रहा है आपका कितना आ रहा है जल्दी काउंट करो ठीक है नाउ हियर वी हैव टू काउंट दी ड्रम्स कि कितने ड्रम्स हैं हमारे पास ठीक है स्टूडेंट्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन तो हमारे पास टोटल कितने ड्रम्स हैं हमारे पास फिफ्टीन ड्रम्स हैं ओके स्टूडेंट्स सो ट्वेंटी टेलीविजन्स एंड फिफ्टीन ड्रम्स ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं यस सो हाउ मेनी सॉर्ड्स सॉर्ड्स माने तलवार तो हमारे पास कितनी शॉर्ट है लेटेस्ट काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमारे पास दस तलवार हैं टेन सॉर्ड्स ओके स्टूडेंट्स नाउ हाउ विद अस ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हमारे पास कितने डायनासोर्स हैं हमारे पास इलेवन डायनासोर्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां पे हमको डॉल्स काउंट करनी है वेरी सिंपल ये आप खुद करोगे येस स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क आपको ये काउंट करनी है और कमेंट बॉक्स में मैम को आंसर जरूर भेजना है कि आपने कितनी डॉल्स को काउंट किया ओके सो दिस इज योर एच डब्ल्यू होमवर्क राइट चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes, अब देखिए हाउ मेनी टेंस सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टी एन ओ राइट टी मींस टेन्स ओ मींस वीक है ये क्या है ये नंबर की प्लेस वैल्यू है ठीक है सो द नंबर इज हमारे पास कौन सा नंबर है थ्री एट थर्टी एट सो द नंबर विथ आस थ्री एट थर्टी एट ठीक है स्टूडेंट अब यहां देखो थ्री है हमारा टेंस प्लेस पे और एट है हमारा वन्स प्लेस पे राइट right स्टूडेंट अगर सिंगल डिजिट नंबर होता है तो वो सिर्फ वन्स प्लेस पे होता है और अगर टू डिजिट नंबर होता है तो हमारा टेंस और वन्स दो वैल्यूज दो प्लेस वैल्यू आ जाती हैं ठीक है तो 38 में से हमारा जो थ्री है दैट इज द टेंस प्लेस एंड एट इज एट वन्स प्लेस ठीक है स्टूडेंट्स तो हाउ मेनी टेंस तो हमारे पास अभी कितने टेंस हैं यहां पे हमारे पास हैं 3 टेंस एंड 3 टेंस मींस थर्टी आपको पता है ना वन टेन टेन टू टेंस ट्वेंटी और थ्री टेंस हमारा कितना होगा थर्टी तो हमारे पास है कितने टेंस थ्री टेंस अंडरस्टूड सो वी वीव रिटर्न यी टेंस राइट चलो आगे बढ़े यस विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर स्मॉल नंबर है छोटा नंबर है ठीक है स्टूडेंट्स तो देखो यहां पे है थर्टी सेवन एंड ट्वेंटी टू तो आपको पता है काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है डाट इज द स्मॉल नंबर और काउंटिंग में जो नंबर बाद में आता है है इज नंबर ओके स्टूडेंट्स तो तो हमारे पास एंड तो मैम ने आपको एक ट्रिक बताई थी आपको याद है चलो हम रिवाइज करते हैं ये टू डिजिट नंबर है आप इसका फर्स्ट फर्स्ट नंबर देखो दोनों नंबर के एक का थ्री है एक का टू है ठीक है अब इनमें से देख लो टू पहले आता है काउंटिंग में कि थ्री पहले आता है वन टू पहले आया means 22 टी टू इज नंबर है ना बहुत सिंपल अगर आपके पास मैडम ने बोला स्टूडेंट्स जो नंबर आता है थर्टी थ्री फोर्टी थ्री एंड टू ट्वेंटी टू आप कहाँ तक काउंटिंग करोगे तो आप सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो ठीक है नंबर्स का सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो और जैसे इसका थ्री है इसका टू है थ्री है और क्या है टू है अब इन ये तो बहुत छोटे नंबर है, है ना अब 3 और 2 में से आप काउंटिंग कर लो जो पहले आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो थ्री और टू में से विच नंबर कम्स फर्स्ट इन द काउंटिंग वन टू थ्री टू पहले आया मीन्स टू इज द स्मॉल नंबर और टू स्मॉल नंबर है मतलब ये पूरा ट्वेंटी टू स्मॉल नंबर है अंडरस्टेंड द कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है करने की भी जरूरत नहीं है पहले सबसे पहले first digit का का नंबर नंबर देख लो लो ठीक ठीक है 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 पता चल जाएगा कौन सा बड़ा छोटा फिर counting करो है तो चलो अब यहां पे तो 37 और 22 में से हमें पता चल गया 22 टू इज द स्मॉलेस्ट नंबर काउंटिंग भी करोगे तो भी 22 पहले आएगा लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो फर्स्ट डिजिट नंबर देखो थ्री और टू दोनों को जल्दी काउंटिंग कर लोगे पता चल जाएगा ट्वेंटी टू इज नंबर ठीक है अब देखो एक और नई चीज आएगी फोर्टी वन एंड फोर्टी सेवन अब आपने बोला मैम दोनों का फर्स्ट डिजिट तो फोर फोर है अब हम क्या करेंगे अब यहां पे आपको अगर फर्स्ट डिजिट सेम सेम है सिमिलर है तो आपको स्टूडेंट सेकेंड डिजिट देखना है ठीक है अगर फर्स्ट डिजिट सेम सेम है एक जैसा है तो आप क्या करोगे आप सेकेंड डिजिट देखोगे सेकेंड डिजिट क्या है यहाँ पे वन और सेवन अब बताओ काउंटिंग करोगे तो वन सबसे पहले आता है तो समझ जाओ फोर्टी वन इज स्मॉलेस्ट नंबर अंडरस्टूड ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए नाउ सिक्सटीन एंड एटीन वन वन दोनों में सेम है सेकेंड डिजिट देखो इधर सिक्स है इधर एट है काउंटिंग करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सिक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर ओके स्टूडेंट्स चलो अंडर समझ में आया अगर आपको बिगेस्ट नंबर पूछा होता तो जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है ठीक है पूरा काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट डिजिट देखो फर्स्ट डिजिट की काउंटिंग करो फर्स्ट डिजिट अगर सेम सेम है तो सेकेंड डिजिट देखो ठीक है चलो नाउ हो लुखिया अब यहां पे सेवेंटीन फिफ्टीन और ट्वेल्व थ्री नंबर है और इनमें से हमको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है देखो सबका फर्स्ट डिजिट है 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 मतलब सेम तो नंबर देखो वाइव और टू में से जो काउंटिंग में पहले आएगा डेट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर वन टू तो टू सबसे पहले आ गया मीन्स ट्वेल्व इज द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है स्टूडेंट्स सो ट्वेल्व इज स्मॉलेस्ट नंबर राइट समझ गए आप स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट yes. चलो आगे बढ़ते हैं यस स्टूडेंट्स नाउ काउंट काउंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच सेट राइट द नंबर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड एंड राइट इट्स नंबर नेम नंबर नेम क्या होता है स्पेलिंग ठीक है नंबर नेम माने नंबर का नाम राइट right? जैसे पहले हम काउंटिंग करते हैं टॉफीज की ठीक है

स सो हाउ मेनी हैट हाउ मैनीट ओनली वन हैट एंड वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ वन वेरी सिंपल ओ एन ई वन वेरी सिंपल स्पेलिंग ओ एन ई वन ठीक है चलो हाउ मैनी गि सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल हमारे पास कितने गिटार्स हैं एट है एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एट ई आई जी एच टी सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एट जी एच टी राइट स्टूडेंट्स चल आगे बढ़े यस अब यहां पे हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर हियर सो वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव बटरफ्लाईज एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फाइव एफ आई V -E What इज द स्पेलिंग ऑफ five? F I V E five. ओके स्टूडेंट्स तो यहां पे हमने दो दो चीजें सीखी हमने पहले काउंटिंग भी सीखी उसके बाद हम जो numbers आए हमने उनकी स्पेलिंग भी रिवाइज करी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. अब यहां आपको क्या करना है रिसाइट द नंबर्स लाउडली यहां पे आपको टेबल दिया हुआ है वन से हंड्रेड तक काउंटिंग दी है आपको लाउडली तेज तेज काउंटिंग करनी है कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लाइक दिस कहा तक काउंटिंग करनी है वन जीरो तक काउंटिंग करनी है ओके सो ये आप करेंगे और वन टाइम नहीं टू टाइम्स करेंगे हाउ मेनी टाइम्स काउंटिंग यू विल डू टू टाइम्स ओके स्टूडेंट्स यू विल डू द काउंटिंग टू टाइम्स ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जी यस yes. अब यहां पे क्या है राइट द मिसिंग नंबर हमारा फेवरेट टॉपिक है ना जो हमें बहुत पसंद है तो हमें क्या करना है काउंटिंग करनी है जो जो नंबर मिसिंग है उन्हें फटाफट हम लिखते जाएंगे चलो वन से काउंटिंग करते हैं लेकिन वन ही मिसिंग है तो हम लिख देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो सिंगल डिजिट और 10 से 99 तक हमारे होते हैं ठीक है नाउ वन वन इलेवन टर्टीन इज ऑलरेडी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू देन ट्वेंटी थ्री बोलते जाइए बोलते जाइएस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी आफ्टर थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर दैन थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन एंड फोर जीरो फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव

एटी 90, 90. नाइन 90, 91 जीरो नाइन्टी सिक्स 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 जीरो 100, 100. ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमने पूरी काउंटिंग लिखी है 1 से 100 तक ओके okay, तो बस काउंटिंग करो जो नंबर मिसिंग है उनको यहाँ पे लिख दो ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहां पे हमने किया मिसिंग नंबर और यहां पे खत्म होता है हमारा चैप्टर थर्टीन की वर्कशीट ओके स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ किया हमने काउंटिंग सीखी काउंटिंग रिवाइज करी हमने टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हमने नंबर नेम डेट इज द स्पेलिंग ऑफ द नंबर रिवाइज किया एंड एट लास्ट हमने मिसिंग नंबर भी रिवाइज किया ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको माइमे बिन की वेबसाइट पर मिल जाएगा आप वेबसाइट पर जाइए क्लास वन पे क्लिक करिए करिए मैथ्स मैजिक बुक पे जाइए आपको पूरे चैप्टर्स के साथ वर्कशीट्स भी नीचे मिल जाएंगी राइट right, स्टूडेंट्स तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडर से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स बाय टेक केयर